कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बड़ी मुसीबत में फंसती दिख रही हैं। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम पहली बार चार्जशीट में दाखिल किया है। हालांकि प्रियंका को आरोपी नहीं बनाया गया, उनका नाम आरोपी से जुड़े होने के तौर पर शामिल किया गया। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक ये मामला जमीन खरीदी और बेचने से जुड़ा है। मामले में भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के सहयोगी सीसी थम्पी ने हरियाणा के फरीदाबाद में रियल एस्टेट एजेंट एचएल पहावा से 2005 से 2008 तक कई बार ज़मीनें खरीदी। इसके बाद प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने 2006 में पहावा से अमीरपुर गांव में 5 एकड़ यानी कि 40 कनाल कृषि ज़मीन खरीदी और उसी को पहावा को फरवरी 2010 में बेच दिया। आरोप है कि ये सब पैसे को इधर उधर और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया। आरोपी यह भी कहने लगे हैं कि आरोप यह भी लगे हैं कि इस दौरान एचएल पहावा को भी भूमि अधिग्रहण के लिए पैसे भी मिलते रहे। यह भी आरोप है कि रॉबर्ट ने पहावा को पूरे पैसे भी नहीं दिए। ईडी का कहना है कि थम्पी के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से वाड्रा से ही हैं और दोनों कई काम मिलकर करते हैं। सीसी थम्पी पर हथियार डीलर संजय भंडारी का साथ देने और ब्रिटेन में कालाधन छिपाने में मदद करने का आरोप है। वहीं इस मामले में कांग्रेस अलग ही बात बता रही है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की बात सबसे जब से की बीजेपी कांग्रेस के पीछे पड़ गई है। जनता पार्टी की राजनीति का ये हिस्सा बन चुकी है कि किस प्रकार से तमाम विपक्षी नेताओं को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके उनको निशाने पर लिया जाए, विपक्ष की आवाज को किस तरीके से कुचला जाए, देश में प्रजातंत्र का किस तरह हनन किया जाए, तो ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। ये लगातार भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं पे चल रही कार्रवाइयों का एक हिस्सा है।